नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ7 न्यूज। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, वीर सपूतों को नमन कर रहा है। इसी के चलते आज सागर जिले के राहतगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शहीदों को समर्पित यह कार्यक्रम बस स्टैंड पुलिस चौकी पर रखा गया था, जहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला फूका। इस दौरान लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा दिखा, तो वहीं अपने देश के वीर सैनिकों वीर सपूतों के लिए मन में सम्मान। लोगों का मानना है कि अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए, उसे इस काराना करतूत का दंड मिलना ही चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल राहतगढ़ एवं युवा मोर्चा के तत्वाधान राहतगढ़ में पुलवामा जम्मू कश्मीर में जो कल घटना घटित हुई है, उसके विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन राहतगढ़ में किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और पाकिस्तान पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों की मांग है। भारत माता की जय। बात अपन ये नहीं कहते कि आतंकवाद कहीं से उत्पन्न होता है, अपन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवादी देश है, पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी पैदा होता है। उन्होंने जो कल हमारे जवानों को शहीद किया, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने हमला किया, उन्होंने युद्ध स्तरीय आक्रमण किया है, युद्ध उन्होंने शुरू किया है, युद्ध को अंजाम भारत की सेना देगी, भारत के लोग देंगे, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान नाम का देश अब किसी भी राष्ट्रीय मैप में दिखाई नहीं देगा। हम यही कहेंगे, समस्त पार्टियां मिलकर आए, हमारी सरकार को सहायता करें और पाकिस्तान से बदला लें और पाकिस्तान को साफ कर दें। जो आतात्याई होते हैं, अत्याचारी होते हैं, उनको गीता और रामायण और भागवत भी ये कहती है कि उनको न किसी से पूछना चाहिए कि आप इनको मारे या न किसी से आदेश देने की जरूरत है। उनको तो डायरेक्ट जो है आतातायियों का सर कलम होना चाहिए। जो आतातायी हैं, अत्याचारी है, हमारा भागवत कहता, हमारा गीता कहता, हमारी रामायण कहती, इनका वध होना चाहिए। वो निकल के गए थे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए गए थे, और उन लोगों को बीच रास्ते ही में मतलब जो है आतातायियों ने, अत्याचारियों ने मार दिया। अरे लड़ना है तो सामने आके लड़ो ना, लड़ना है तो सामने आके लड़ो ना, क्या पीठ पीछे बार करते हो। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार हमारा गीता और भागवत और पुराण ये कहता है कि आतातायी महाखला अत्याचारियों का मतलब जो है वध कर देना चाहिए, उसी प्रकार इनका भी वध कर देना चाहिए, हम सरकार से यही कहते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी शाम को पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च बैंक ऑफ इंडिया से शुरू होकर बस स्टैंड पुलिस चौकी पर आकर समाप्त हुआ। पैदल मार्च के दौरान लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। साथ ही लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की इस कायराना करतूत का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो कार्य किया गया है, हम लोग इसकी पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं, और इस दुख की घड़ी में पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय एक है, और पूरा सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने कार्य की हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब उनको मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। हम इस दुख की घड़ी में मृत आत्मा की शांति के लिए और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और आज ये जो कैंडल मार्च निकाला गया उसी तारतम्य में ये श्रद्धांजलि उन शहीदों की। जो आतंकवादी घटना हुई है, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कैंडल मार्च निकाला गया। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति दे, एवं जिन लोगों ने कारण हरकत की है, भारत सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब दे। 42 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है। पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, और जो जवान शहीद हुए हैं
उनके लिए हम सरकार से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको महत्वपूर्ण जवाब देना चाहिए और मृत परिवारों के लिए कम से कम उनके लिए नौकरी दी जानी चाहिए और कम से कम 50-50 लाख रुपए का उनको परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही राहतगढ़ तहसील के अधिवक्ताओं ने भी वीर सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।